आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर कार्बन तथा कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत क्रियात्मक समूह या कार्यात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह का अध्ययन करने जा रहे हैं। क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित वह समूह जो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणों का निर्धारण करती है उसे प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। इसे अंग्रेजी में फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर एक प्रकार्यात्मक समूह है जिसका पहला मेंबर मिथेनॉल है, सेकेंड मेंबर इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, तो यदि हम मेथेनॉल इसके फर्स्ट मेंबर का अध्ययन कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड जितनी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ये सारी की सारी सेकेंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर के साथ सेम होती है। तो कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित वह समूह जो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणों, केमिकल प्रॉपर्टीज का निर्धारण करते हैं उसे हम लोग प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्लास टेंथ में हमारे पास प्रकार्यात्मक समूह के रूप में अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिल अम्ल है, कीटोन है, और हैलोजन ग्रुप में एक क्लोरो ग्रुप है और एक ब्रोमो ग्रुप है। सबसे पहले हम लोग अल्कोहल देखते हैं। अल्कोहल एक मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंत में OH जुड़ा रहता है। इसे और अगर हम लोग देखते हैं इलेबोरेट करके तो ये दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। सेकेंड एल्डिहाइड, यह है मेरा CHO, या इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O H CHO। कार्बोक्सिलिक ग्रुप यह होता है COOH, या इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O O H। कीटोन ग्रुप ये मेरा CO है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O। ये मेरा डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसमें दो साइड हम लोग जोड़ सकते हैं कार्बन एटम, इसमें एक साइड एक साइड एक साइड, इसको हम लोग कहते हैं मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप। इसके बाद है क्लोरो समूह, ये दिस इज आवर क्लोरो समूह और ये आवर ब्रोमो समूह। ओके, प्रकार्यात्मक समूहों की नाम पद्धति हम लोग आज IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। IUPAC मींस इंडियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग सबका नाम निर्धारण करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा हम लोग को जानकारी होना होगा कि हमने अल्केन पढ़ा है, अल्कीन पढ़ा है और एल्काइन पढ़ा है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है एल्केन के कुछ सदस्यों के नाम कार्बन सिक्स तक। तो पहले जो सदस्य है उसका नाम है मेथेन। अल्केन इसको हम लोग इंग्लिश देखेंगे, सबके लास्ट में एन है तो दिस इज मेथेन फर्स्ट मेंबर के लिए। दो कार्बन है एथेन, तीन कार्बन है प्रोपेन, चार कार्बन है प्रोपेन, ये कार्बन चार हो गया, ये हो गया ब्यूटेन 1 2 3 4 5, ये कार्बन फाइव है, ये हो गया मेरा पेंटेन, सबके लास्ट में एन ही जुटा हुआ है। और ये कार्बन सिक्स है, इसको हम लोग बोलेंगे हेक्सेन। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, ये सारा मेंबर हम लोग देख रहे हैं। इसका नाम करने का तरीका क्या है, सबके लास्ट में एन 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 जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात कि हम लोग कार्बन संख्या देखेंगे, ये कार्बन संख्या वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है 1 2 3 4, ये फाइव है 1 2 3 4 5, ये सिक्स है 1 2 3 4 5 6। इसको बेस बनाकर हम लोग आज अल्कोहल के बारे पढ़ेंगे। अल्कोहल AlCOHOL, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंत में OH जुड़ा होता है उसे हम लोग अल्कोहल कहते हैं। इसका नाम लिखने का तरीका है कि इसके अंत में जो E है E को हम लोग माइनस कर दे रहे हैं और उसमें हम लोग OL जोड़ दे रहे हैं। E माइनस हो गया और उसके जगह हम लोग क्या जोड़ दिए OL। तो इसके जो सदस्यों के नाम हैं वो हो जाएंगे अल्केन से अल्केनॉल, इसको हमने हिंदी में भी लिख दिया है एल्केन से एल्केनॉल। तो पहला मेंबर जिसके अंत में OH है, यहां से हम लोग देखेंगे ये मेथेन है,
ये एच माइनस है, इसके जगह हम लोग ओ एच भर दिए, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? तो अल्केन के फर्स्ट मेंबर में हम लोगों ने पढ़ा है कि पहला जो कार्बन है उसका नाम होगा मेथेन। तो आप लोग बताइए ये मेथेन है, तो जब एल्केन से एल्केनॉल होता है तो मेथेन से क्या होगा? मेथेन से मेथेनॉल, गुड, इसका नाम हो गया मेथेनॉल। हम लोग अंग्रेजी में देखेंगे एम ई टी एच ए एन ओ एल, दिस इज मेथेनॉल। इसका नाम क्या होगा? एथेन से एथेनॉल, प्रोपेन से प्रोपेनॉल, ब्यूटेन से ब्यूटेनॉल। उसी प्रकार जब कार्बन पांच है तो ये पेंटेन से इसका नाम हो गया पेंटेनॉल, और छह कार्बन एटम है जिसके अंत में ओ एच ग्रुप है जुड़ा हुआ, इसका नाम हो गया हेक्सेन से हेक्सेनॉल। ओके, एल्डिहाइड जिसके अंत में सी एच ओ इस रूप में रहेगा उसे हम लोग एल्डिहाइड कहेंगे। और अब हम लोग सीखेंगे कि एल्डिहाइड का नामांकन कैसे करेंगे। तो ये जो एल्केन है इसमें से ई हटा देंगे और उसमें ए एल जोड़ देंगे, तो ये मेरा हो गया अल्केनैन, मतलब अल्केन से अल्केनैन। सेम उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि ये जो है कार्बन काउंट करेंगे कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। तो इसमें कार्बन वन है, तो जहां कार्बन वन रहेगा उसको मेथेन से हम लोग कंपेयर करेंगे, तो मेथेन से अल्केन से अल्केनैल, तो मेथेन से मेथेनैल, तो इसका नाम हो गया मेथेनैल, एम ई टी एच ए एन ए एल। इसका नाम क्या होगा? दो कार्बन है एथेनैल, तीन कार्बन है प्रोपेनैल, चार कार्बन है ब्यूटेनैल, पांच पेंटेनैल, सिक्स हेक्सेनैल। एड कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अंत में सी ओ एच या इस रूप में रहेगा। तो इसको हम लिखने का तरीका है कि इसका ई को माइनस कर देंगे, अब प्लस ओ आई सी जोड़ देंगे और एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा यहां ई हटा के ओ आई सी जोड़ दिए और ये एसिड जोड़ दिए, तो अल्केन से इसका नाम क्या हो गया? अल्केनोइक, और एसिड का हिंदी हो गया अम्ल, अल्केन से अल्केनोइक अम्ल। कार्बन एक हम लोग देखेंगे, मेथेन देखेंगे, इसका नाम हो गया मेथेन से मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक एसिड। सेकेंड एथेन से एथेनोइक अम्ल, थर्ड प्रोपेन से प्रोपेनोइक अम्ल। उसी प्रकार अगर ये पांच है, वन टू थ्री फोर फाइव, तो पेंटेन से पेंटेनोइक अम्ल, चार है तो ब्यूटेन से ब्यूटेनोइक अम्ल, छह है ये हो गया हेक्सेन से हेक्सेनोइक अम्ल। कीटोन, कीटोन फर्स्ट में ही बताया गया कि जिसके दो ग्रुप खाली होते हैं दोनों साइड, इसको बोलते हैं डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, मतलब दोनों ओर कार्बन परमाणु रहेंगे और बीच में मेरा सी ओ रहेगा। एक क्वेश्चन आता है कि कीटोन का प्राकारात्मक समूह क्या है, तो सी ओ,
अगर ऐसा लिखा रहेगा या फिर ऐसा लिखा रहेगा कि सी ओ किसका प्रकार्यात्मक समूह है, तो इसका आंसर हो जाएगा कीटोन। ये बार बार क्वेश्चन आता है। इसको जानने के लिए हम तो क्या करेंगे कि अल्केन के ई को हटा देंगे और उसमें ओन जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया, नोन। अल्केन से अल्के नोन, इसको समझना है। ये मेरा कीटोन ग्रुप है, एक घर यहां खाली है, एक घर यहां खाली है। अगर यहां हम एच और एच लिख देंगे तो ये क्या हो गया, सी एच ओ हो गया, इसका नाम हो गया मेथेनॉल, ये एल्डिहाइड का ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, ये बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ भी कार्बन हमको जोड़ना है और यहाँ भी कार्बन जोड़ना है, और कार्बन की संयोजकता चार होती है, ये हम लोग चार फुलफिल कर दिए। अब यहाँ पे हमको देखना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या टोटल हो रही है 1, 2, 3, तो हम लोग इसको नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, हम लोग यहाँ कार्बन संख्या 1, 2, 3 को देखेंगे। तो अल्केन में थर्ड मेंबर को प्रोपेन कहा जाता है, तो इसका नाम हो गया अल्केन से अल्केनॉन, तो प्रोपेन से प्रोपेनॉन, इसका नाम हो गया प्रोपेनॉन। वन टू थ्री फोर, चार है, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटे नॉन। वन टू थ्री फोर फाइव, पेंटेन से पेंटेनॉन। उसी प्रकार सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हेक्सेन, हेक्सेन से इसका नाम हो गया हेक्से नॉन। हैलोजन ग्रुप के अंतर्गत एक क्लोरो और एक ब्रोमो, दोनों का अध्ययन कर लेते हैं। तो क्लोरो जिसके अंत में सीएल है, यह भी मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, और दूसरा है ब्रोमो, इसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, अल्केन से क्लोरो अल्केन। तो जिसके अंत में सीएल है, ये सीएल है और ये सीएल, इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन है मेथेन है, इसका नाम हो गया क्लोरो मेथेन। ये दो है, बस शुरू में क्लोरो लिख देना है, क्लोरो एथेन, क्लोरो प्रोपेन। उसी प्रकार दोनों एक ही ग्रुप के हैं, क्लोरीन है ब्रोमीन है, तो जिसके अंत में बी आर है, तो जिस तरह इसको हम मैंने किया है कि अल्केन टू क्लोरो अल्केन, ये अल्केन जब ब्रोमो के लिए आ जाएगा तो ये हो जाएगा ब्रोमो एल्केन, इसके अंत में सीएल है तो ये बीआर हो जाएगा, इसके अंत में बीआर हो जाएगा, इसके अंत में बीआर है, इसका नाम क्या हो गया, 1, 2, 3, 4 ब्यूटेन, इसका नाम हो गया ब्रोमो ब्यूटेन, इसका नाम हो गया ब्रोमो पेंटेन, और इसका नाम हो गया ब्रोमो हेक्सेन।